सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं बीएल यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी जेएनवी। तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि हम कैसे ऑनलाइन परीक्षा ले सकते हैं विद्यार्थियों की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको अपना गूगल क्रोम खोलना है और यहाँ पर हमको टाइप कर देना है गूगल फॉर्म्स। इसके बाद हम जाएंगे गूगल फॉर्म्स, हमारे स्क्रीन पर खुल जाएगा और यहाँ पर देखिए हम क्लिक कर देंगे गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे। इस पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमको दो चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। तो इसमें से एक है ये पर्सनल, इसको हमको क्लिक करना है। ये बिजनेस है, इसको हमको टच नहीं करना है क्योंकि ये पेड के लिए है। हमको फ्री में काम करना है इसलिए फ्री वाला है ये पर्सनल, तो हमको इसको इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, ये गो टू गूगल फॉर्म्स, इसको क्लिक कर देंगे और इसके बाद फिर हम जो है यहाँ पर जाएंगे और हम इसके बाद एक ब्लैंक यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ब्लैंक जब हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ऐसे कुछ खुला रहेगा। इसके बाद हम इसको इंग्लिश या हिंदी किसी में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले जाएंगे और जैसे भी है अपना नाम, जैसे मान लीजिए JNV चुरहट हमने लिख दिया, ठीक है। ऑन लाइन एग्ज़ाम हिंदी में हमने लिख दिया यहाँ पर। चलिए आयोजक, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, यादव। इसके बाद फिर अब हम यहाँ पर हमें चाहिए क्या, कुछ बच्चे की जैसे बेसिक जानकारी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद फिर हमको जो है यहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको नाम जानना चाहिए जैसे बच्चे का, तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे नाम, नाम हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर ये शॉर्ट आंसर ले लेंगे। शॉर्ट आंसर के बाद फिर जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड है, मतलब हमको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो हम रिक्वायर्ड कर देंगे और फिर इसके बाद हम बढ़ जाएंगे आगे प्लस का ये जो सिंबल है, जो ये प्लस का सिंबल आपको दिख रहा है, इससे हम आगे बढ़ते हैं, ये प्लस वाला सिंबल, इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट पे। नाम के बाद हमको क्या चाहिए, उसका क्लास, कक्षा या रोल नंबर चाहिए हमको, मान लीजिए रोल नंबर, रोल नंबर। और ये वो कुछ अंकों में या जैसे भी भरे, नंबर में भरे, तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं टेक्स्ट पर, वो कुछ भी भर सकता है टेक्स्ट पर कर देने पे। अगर नंबर करेंगे तो केवल नंबर ही भरेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर कर दिए इसको टेक्स्ट पर। और इसके बाद ये भी हमको चाहिए तो इसको हम कर देंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड करने के बाद फिर हम बढ़ जाएंगे आगे। अब इसके बाद दो चीज़ें तो हो गई, नाम हो गया, रोल नंबर हो गया। अब हमको यहाँ पर मान लीजिए फिर प्रश्न शुरू करना है, तो हम इस पर ऊपर ही क्लिक करे रहेंगे और इसके बाद हम यहाँ से एक ये देखिए ऐड सेक्शन, मतलब ये जो फ्रंट है उस पर हमको नाम और रोल नंबर केवल दिखाई देगा और हम यहाँ से सेक्शन बदल देंगे। तो सेक्शन बदल देने से क्या होगा कि हमको अब आगे क्वेश्चन वगैरह या जो कुछ भी दिशा निर्देश आपको जैसे देना हो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इस पे जो है ये ऐड सेक्शन का ये सिंबल है, इस पे हम क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं तो हमको एक नया सेक्शन खुल जाएगा। और हम यहाँ पर क्लिक कर दिए एक नया ऐड सेक्शन, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अनटाइटल्ड सेक्शन। तो अब हम इस पर क्या करेंगे कि यहाँ पर चलिए हम पहले अनटाइटल्ड सेक्शन का नाम दे देते हैं कुछ, कि हिंदी परीक्षा और डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर है ऑप्शनल है, हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, बहु
बहुविकल्पी प्रश्न। और अब इसके बाद हम क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन पर हम टाइप कर देंगे कि जैसे मान लीजिए नीचे किसका चित्र है, ये सीधे हमने क्वेश्चन कर लिया। और अब यहाँ पर ये हमारा जो क्वेश्चन है ये मल्टी आंसर मल्टी चॉइस है, चार विकल्प दे देंगे, ऑप्शन वन पे क्लिक कर देंगे। ऑप्शन वन पर हमने दे दिया नरेंद्र मोदी, दूसरा अमिताभ अमिताभ बच्चन, तीसरा इंदिरा गांधी और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। अब इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे। अब ये हाँ, तो हमको क्विज टाइप का बनाना है या कैसे बनाना है, इसके लिए हम जाएंगे सेटिंग पे और इसमें हम और दूसरे ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं और चित्र भी ऐड कर सकते हैं। तो हम चित्र में यहाँ पर पहले जाएंगे, तो ये वाला जो ऐड इमेज दिख रहा है आपको, जब कर्सर ले जाते हैं तो ऐड इमेज आपको दिखेगा, यहाँ पर जब आपका कर्सर जाएगा तो ऐड इमेज, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया है, इसको हम फिर से बनाते हैं, ये ऐड इमेज। तो अब हम यहाँ पर और यहाँ पर ये पूछेगा पाथ, हम ब्राउज कर लेंगे जहाँ पर हमारी इमेज है। हमने मान लीजिए जो है ये फ़ोटो रखी है नरेंद्र मोदी जी की, हमने सेलेक्ट कर दिया और ये थोड़ी देर में ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। और अपलोड होने के बाद ये हमें यहाँ पर हमको फ़ोटो आ गई मोदी जी की, यहाँ पर हम लिख देंगे चित्र, ये हो गया। अब इसके बाद हम फिर नेक्स्ट प्लस पे क्लिक कर देंगे। प्लस पे करते ही दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। फिर हमको मल्टीपल चॉइस है या लिखने वाला है, जैसे भी है, अगर हम वन वर्ड में चाहते हैं दो वर्ड में तो पैराग्राफ पे चले जाएंगे, शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ पे। और अगर हमको जो है लिखना नहीं है, सिर्फ टिक लगाने हैं, बहुविकल्पी करने हैं, तो हम यहाँ पर बहुविकल्पी पर ही रहते हैं और आगे बढ़ते हैं कि हमारे देश का क्या नाम है। चार विकल्प दे देते हैं, भारत वर्ष और इसके बाद हिंदुस्तान, आर्यावर्त और भारत या इंडिया। अब हमारे ये दो क्वेश्चन बन गए। अब ये चाहिए कंपलसरी करना है या नहीं, तो हमें कंपलसरी करना है तो रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब रिक्वायर्ड पे कर दिया हमने, इसके बाद फिर जो है हम जाएंगे यहाँ पर सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद हम यहाँ पर हमको ईमेल कलेक्ट करने हैं सबको, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद रिस्पॉन्स रिसीप्ट्स, इफ़ रिस्पॉन्ड रिक्वेस्ट इट या ऑलवेज, जो भी आपको जैसा भी लगे, तो हम इसको अनचेक कर देते हैं। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, एडिट आफ्टर सबमिट, नहीं, सी समरी ला, और इसको रिस्पॉन्स ही देख सकता है समरी चार्ट, यस कर देते हैं इसको। इसके बाद प्रेजेंटेशन पे हम जाएंगे, प्रेजेंटेशन पर शो प्रोग्रेस बार, सफल क्वेश्चन आर्डर कर सकते हैं या ना करें। इसके बाद कंफर्मेशन मैसेज, इस पर मतलब आप कैसा दिखाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि बधाई हो आप सफल हुए,
हमने कर दिया। इसके बाद क्विज पे जाएंगे, क्विज पे मेक दिस क्विज, और इसके बाद हमको तुरंत चाहिए, तुरंत नहीं चाहिए, बाद में हम चाहिए लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। इसके बाद मिस्ड क्वेश्चन दिखाए जाएं, इनकरेक्ट क्वेश्चन, पॉइंट वैल्यू सब दिखाए जाएं, उसके बाद हम कर देंगे इसको सेव। अब हमने ये सब सेव कर दिया, इसके बाद ये हमारा ऐसे दिख रहा है क्वेश्चन। अब इसमें हमको कुछ करना है संशोधन, संशोधन हमको क्या करना है, तो ईमेल तो ठीक है वो लेगा ही। यहाँ से हमारे क्वेश्चन यहाँ शुरू हुए, यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पर आंसर की में जाएंगे, क्लिक करेंगे आंसर की, और आंसर की में जो है हम यहाँ पर नंबर, मान लीजिए हम एक नंबर कर दिए, 1.11 हो गया, यहाँ से क्लिक करके ऊपर से बढ़ा देंगे 1, और इसके बाद यहाँ पर हम नरेंद्र मोदी पे टिक कर दिए, ये हो गया। इसके बाद डन कर देंगे, डन करने के बाद फिर ये क्वेश्चन कंपलसरी है या नहीं, कंपलसरी है तो हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड करना है, और यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया रहता है, तो सफल ऑप्शन आर्डर भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो जब कभी आएगा या दूसरे आदमी आएंगे देने के लिए तो ये चेंज भी हो जाएगा। तो हम इसको सफल ऑप्शन आर्डर पर क्लिक कर देते हैं, और इसके बाद या ना ही करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अनचेक कर देते हैं। और अब ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन, इस पर आ जाएंगे। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पर आंसर की पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, आंसर की जो है हमारा क्या है, इसमें लास्ट वाला है, और इसके बाद इसमें कितने पॉइंट का है, तो 1 कर दिया, डन हो गया। अब दोनों ही क्वेश्चन ये तो कंपलसरी वाले हो गए, ऑप्शनल हैं। अब इसके बाद हमको रिटर्न सेक्शन मान लीजिए करना है, तो हम रिटर्न सेक्शन के लिए एक नया सेक्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड सेक्शन जाएंगे, ऐड सेक्शन पर जाएंगे, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कीजिए, और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन बता देते हैं कि फोटो की अधिकतम साइज 0.1 MB, 1 MB इसलिए कि ये दोस्तों अगर ज़्यादा आप ले लेंगे तो आपकी जो गूगल ड्राइव है वो भर जाएगी, इसलिए ज़्यादा साइज नहीं कर सकते हैं। फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, 10 MB तक भी कर सकते हैं, तो हम इस पे जाएंगे और प्लस कर देंगे, तो अब हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ गया। यहाँ पर हमने क्वेश्चन दे दिया ना, क्वेश्चन में हमने दे दिया कि अपनी माता जी के लिखिए, और यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं ये फाइल अपलोड पर चले जाएंगे, फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद हमसे ये परमिशन मांगेगा, परमिशन पे हम कंटिन्यू कर देंगे, और कंटिन्यू करने के बाद फिर जो है अब ये जो है हमारा जो प्रश्न है, जैसे मान लीजिए 5 अंक का, तो हम यहाँ पर 5 अंक लिख देते हैं, 5 मार्क्स। इसके बाद अलाउ, और ये किस हमको इमेज में चाहिए या PDF में चाहिए किस, तो हम इमेज में कर देते हैं, इसमें हमको सहूलियत हो जाएगी, बच्चे को भी सहूलियत हो जाएगी। और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल 1 चाहिए, और मैक्सिमम फाइल साइज हम इसको जो है 1 MB कर देते हैं, आप चाहें तो 10 MB पर भी कर सकते हैं, और की पॉइंट्स इसको 0 ही रखेंगे, क्योंकि ये तो हम जो है चेक करने के बाद नंबर देने वाले हैं। और अगर ये कंपलसरी क्वेश्चन है कि नहीं, मान लीजिए बच्चा परीक्षा में इसको नहीं देना चाहता है, तो इसको जो है हम रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, ताकि अगर वो चाहता है तो इसको स्किप भी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ से सब कुछ कर लेने के बाद, अब हम यहाँ पर जाएंगे, ये जो थीम दिख रही है, थीम पर जाने के बाद हम यहाँ का ऊपर का जो हमारा वो है इसको चेंज कर लेंगे, थोड़ा डेकोरेट कर देंगे, तो हमने कर दिया, और ये अब आप देख ही सकते हैं कैसे हो गया। इसके बाद अब हम यहाँ पर प्रीव्यू पर जाएंगे, तो प्रीव्यू पर जाने के बाद ये देखिए हमको किस प्रकार से दिखाएगा, ये इस प्रकार से हमारा ये दिखाएगा, और इसको हम फिर यहाँ पर भर सकते हैं, ईमेल, नेम, रोल नंबर, बिना ये जो है आगे किए हम आगे नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर ये हमारा पहला पेज तो खुला ही है,
और यहाँ पर ये देखिए रिस्पांस ये इस पर दिखाएगा। अब रिस्पांस की हम कर लेते हैं कुछ सेटिंग। रिस्पांस की सेटिंग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट रिस्पांस डेस्टिनेशन और ये गेट जीमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पांस को क्लिक कर देंगे ताकि जो है आपकी मोबाइल में ही पता चल जाएगा कि किसने रिस्पांस दिया किसने रिस्पांस नहीं दिया। और इसके बाद यहाँ पर हम स्प्रेडशीट चले जाएंगे, क्रिएट है न्यू स्प्रेडशीट अनटाइटल्ड फॉर रिस्पांस है, अभी इसको हम क्रिएट कर देते हैं, ओके कर देंगे। और इसके बाद अभी ये अनटाइटल्ड है तो कोई बात नहीं, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अनटाइटल्ड तो ये देखिए ऐसे खुल जाएगा, तो जो हमारे रिस्पांस आएंगे यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम इनको फिर फार्मूला इत्यादि लगा करके भी जो है जैसे भी आपको उचित समझ में आए अब वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और अभी हम इसको कर देते हैं क्लोज और यहाँ पर क्वेश्चंस पे जाते हैं, इसको क्वेश्चंस पर भी नहीं और बैक जाते हैं। और इसके बाद हम जैसे बहुत सारे फॉर्म बनाएंगे तो देखिए हमारा जो फॉर्म बन करके आया, अभी इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं तो ये हमारा फॉर्म अभी ये आया ऑनलाइन फॉर्म ना, तो हम इसको रीनेम कर देते हैं। यहाँ पर रीनेम ऑप्शन आ गया हमारे पास अनटाइटल्ड को, इसको जो हम ट्रायल कर देते हैं ट्रायल, और इसके बाद कर देंगे ओके और ये हो गया सेव। ठीक है, अब हम कभी भी ये हमारे इस पर सेव रहेगा आईडी पर, कभी भी हम देख सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं। और अब इसको जो है यहाँ पर तो हम आ गए, और अभी ये हमारे बच्चों के पास कैसे पहुँचेगा उसके लिए अब आप यहाँ पर जाएंगे सेंड पर क्लिक करेंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो सिंबल दिख रहा है बीच का ये वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे और आप मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। अब मेल के थ्रू भेजने से ये ज़्यादा बेहतर हमको समझ में आ रहा है क्योंकि आजकल सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, मोबाइल में भेज देना है और मोबाइल में जो है वो बच्चे दे सकते हैं, तो इसलिए इसको हमने क्लिक कर दिया। फिर चले जाते हैं अपन और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पर आपको एक लिंक दिया है शॉर्टन यूआरएल, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए छोटा हो गया और उसके बाद यहाँ पर कॉपी दिया, इसको कॉपी कर लेंगे लिंक। अब लिंक कॉपी करने के बाद अब हम जो है चले जाते हैं यहाँ से, इसको मिनिमाइज कर लेंगे और कहीं पर जहाँ पे हमारा व्हाट्सअप वगैरह जैसे मान लीजिए खुला है, जैसे हमारा ये व्हाट्सअप ग्रुप है तो हमको इसको किसी को भेजना है तो हम किसको भेजें, चलिए मैं इसको जो है अपनी वाइफ को ही भेज देता हूँ और दूसरे को किसको भेजेंगे, तो चलिए यहाँ पर हमने अपनी WIFF इनको जो है हम कर देते हैं, चलिए कंट्रोल वी क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए इसके बाद हम ये यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है गूगल फॉर्म्स क्रिएट एंड एनालिसिस सर्विस फॉर फ्री। अब आपको यहाँ पर जो भी है लिख सकते हैं और पेस्ट तो हमने कर ही दिया है। इस परीक्षा के लिए लिंक अब हम इनको भेज दिए व्हाट्सएप पर, अब ये चला गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे जो है हमको दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए मित्रों यहाँ पर ये जो लिंक दिया है ना, ये जो नीला नीला दिख रहा है आप इससे चेक कर सकते हैं, ये जो लिंक है इससे आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि सीधे यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए पेज पे खोल देगा, थोड़ा समय लगेगा ये इंटरनेट और मोबाइल में भी ऐसे खुल जाएगा। तो अब आप यहाँ पर अपना जो भी है जो परीक्षा देने वाले लोग हैं अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल देंगे, जैसे मैं अपनी डाल देता हूँ। चलिए TGTBL यादव नाम अपना ही लिख देता हूँ भाई, रोल नंबर मालूम नहीं, 00 कर दिया, नेक्स्ट आगे चले गए। अब इसके बाद देखिए ऐसे खुलेगा, किसका चित्र है ये, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, नरेंद्र मोदी जी का है और इसके बाद हमारे देश का क्या नाम है, भारत या इंडिया, फिर हम नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। और इसके बाद अब यहाँ पर है
एक सादे पेज पर उत्तर लिखकर उसकी फोटो अपलोड कीजिए। फोटो की अधिकतम साइज 1 MB, अपनी माता जी के बारे में 5 वाक्य लिखिए, 5 अंक का है। यहाँ पर हम अब जो लिखे रहेंगे ऐड फाइल पर जाएंगे और इसको जो है हम क्लिक कर देंगे। तो हमने नहीं कुछ किया है तो इसलिए अब हम इसको छोड़ देंगे और सबमिट कर देंगे। और सबमिट कर दिए तो अब ये पहुँच गया, ठीक है, अब आप सफल हुए। तो अब हम जो है ये रिस्पांस पे पहुंच गए। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्या है ना। तो ये इस प्रकार से हमारा दिखाई दे रहा है, 100% सही है और ये भी सही है। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए हमने नहीं दिया है नो रिस्पॉन्सेस एट फॉर द क्वेश्चन, कोई रिस्पॉन्सेस के लिए हमने नहीं किया है तो कुछ नहीं दिखा रहा है। तो इस प्रकार से देख भी सकते हैं जिन लोगों को उत्तर देना है वो लोग क्या उनको हुआ। ये आपके मोबाइल में ही खुल जाएगा, इसलिए दिक्कत कोई बात नहीं है। साथियों, आपका जो फार्म रहता है वो यहाँ पर देखिए नीचे दिखता है। यहाँ पर जैसे जो मैंने फार्म बनाए हैं, ट्रायल, ऑनलाइन परीक्षा ट्रायल, उदयगिरी हाउस, कॉन्टैक्ट हाउस और 7th से 12th तक का बायोडाटा, और ये जो कुछ भी मैंने चाहा वो यहाँ पे किया है। और आपको एक चीज़ बताना था कि यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे ये दिया है, इनके कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने क्लिक कर दिया, देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आप जो है डायरेक्ट किसी का ले सकते हैं। और सेटिंग में जा कर के हम फिर यहाँ पर एडिट आफ्टर सबमिट वगैरह वगैरह जो भी है सब, इसमें हम कुछ तो चाहते हैं तो कुछ भी टाइप का कर सकते हैं और जनरल चाहते हैं तो जनरल भी कर सकते हैं। और कुछ में हमको एक दो बातें ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए आपको उसी समय आंसर दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो सब जो ऑप्शन हैं ये सेटिंग में, इसमें से जो है हमको चेंज करना रहता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर मेक दिस क्विज और हमको अगर तुरंत आंसर चाहिए हर एक के बाद तो इस पर रहने देंगे, और अगर हमको बाद में चाहिए तो इस पर कर देंगे हम। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे ऑनलाइन क्विज चाहते हैं बच्चे को मोटिवेट करें एक ही एक के लिए, और उत्तर वगैरह आप चाहते हैं कि दिखा दें तो वहीं पर आप दिखा सकते हैं। और आप तो स्वयं समझदार हैं, ज़्यादा इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार आप लिंक देख लेंगे तो आप सब खुद ही कर लेंगे, क्योंकि आप लोग तो होशियार हैं सभी। और इसके अलावा और हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या गजेट सॉरी क्या क्या टेम्पलेट्स दिए गए हैं। तो देखिए जो अब ये आ गया, जैसे ये अनटाइटल्ड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अब हमने इसे तो नहीं किया, हमें ज़रूरत नहीं इसकी, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको हम रिमूव कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। ये ऑनलाइन फॉर्म जैसे है ये पड़ा है, पड़ा रहने देते हैं अनटाइटल्ड फॉर्म, इसको हम क्लिक कर देते हैं, रिफ्रेश कर देंगे तो हमारा ये दिखाने लगेगा सही से ट्रायल। और हाँ, अब हम जो बात करने वाले थे ये जैसे ये व्यू है तो इससे जो है हम चेंज कर लेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं, ये आप इसको देखे रहेंगे यहाँ पर। तो जैसे हम करेंगे और जिस तरीके से हम लास्ट में रखेंगे उसी तरीके से आएगा। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या है, ये गैलरी है, टेम्पलेट गैलरी, इसमें जा कर के आप देखेंगे तो इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइंड टाइम, RSVP, पार्टी इन्वाइट, टी शर्ट, साइन अप और इवेंट रजिस्ट्रेशन, फिर वर्क के लिए है इवेंट फीडबैक, ऑर्डर फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट और वर्क रिक्वेस्ट और कस्टमर फीडबैक, इसके बाद फिर एजुकेशन में ब्लैंक क्विज, एग्जिट टिकट, असेसमेंट, वर्कशीट और ये कोर्स इवेल्युएशन, बहुत सारी जानकारियाँ हैं और ये बहुत ही उपयोगी हैं। आप लोग इनका इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए। तो मित्रों, आपकी जो फाइल है वो सेव रहेगी आपके गूगल ड्राइव में, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको जो है आप पेंट में ले जा करके चेक कर सकते हैं और उसके बाद उसको सेव कर सकते हैं। एक्सेल फाइल भी आपके उसी में सेव रहेगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कर लिए हों तो अच्छी बात है, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।